मध्य प्रदेश कृषि विपणन मंडी बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। सरकार मंडी बोर्ड के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती महोत्सव मना रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री एवं मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कमल पटेल ने अपने संदेश में कहा कि प्रदेश में भाजपा की किसान हितैषी सरकार है, जिसने किसान हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मंडी बोर्ड के स्वर्ण जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश के किसानों और मंडी परिवारों को बधाई देता हूं। प्रदेश के कृषि मंत्री एवं मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कमल पटेल ने अपने संदेश में कहा कि मंडी बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार सफल हुई है। बीते समय में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने किसानों के लिए खेती को घाटे की बजाय लाभ का धंधा बनाने का प्रयास किया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसानों को एमएसपी वाला नहीं बल्कि एमआरपी वाला किसान बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने 1,00,000 करोड़ रुपए की कृषि अधोसंरचना निधि देश में जारी की। इसके उपयोग में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। इसके लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को सम्मानित भी किया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने किसानों के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसे किसानों को लाभ मिला है। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां सरकार की बदौलत प्रदेश में 1,00,000 करोड़ रुपए किसानों को ज्यादा मिले हैं। नमस्कार, अत्यंत हर्ष का विषय है कि 4 अगस्त 1973 को मध्य प्रदेश में कृषि विपणन मंडी बोर्ड का गठन हुआ था। आज 4 अगस्त को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसलिए स्वर्ण जयंती महोत्सव मंडी बोर्ड पूरे प्रदेश में कृषि उपज मंडियों में हम उत्सव मना रहे हैं। आप सब किसान भाइयों को और मंडी परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मंडी बोर्ड के माध्यम से हम किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफल हुए हैं और हम किसान को घाटे की खेती से लाभ का धंधा बनाने में भी सफल हुए हैं। साथ ही हम किसान को एमएसपी वाला नहीं हम एमआरपी वाला बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,00,000 करोड़ रुपए कृषि अधोसंरचना विकास निधि जारी की है आजाद भारत में पहली बार। उसके उपयोग में भी पूरे देश में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है और इसके लिए हमको भारत सरकार ने पुरस्कृत भी किया है। मैं सभी किसान भाइयों को, हम्माल तुलावटी और व्यापारियों और कर्मचारियों को, पूरे मंडी परिवार को, कृषक परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आइए आप और हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में किसानों को खुशहाल करें, किसान की आमदनी बढ़ाएं और किसान का बेटा अगर एक खेती करता है तो व्यापार भी करे, व्यवसाय भी करे, उद्योग भी लगाए और बिचौलियों हटाकर सीधे किसानों को लाभ पहुंचाए ताकि किसानों की आमदनी कई गुना बढ़े और प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करें। उसमें मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 स्थान पर है। हमने कई ऐसी नीतियां बनाई है जिसमें किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने में हम सफल हुए हैं। चना, सरसों, मसूर पहले 13 क्विंटल प्रति हेक्टर खरीदते थे, अब हमने 20 क्विंटल किया है। 15 क्विंटल चना खरीदते थे, 20 किया है। मई में खरीदते थे, उसको हमने मार्च में खरीदना शुरू किया है। एक दिन में 25 क्विंटल खरीदते थे, हमने उसको अनलिमिटेड किया है और उसके कारण हमने मध्य प्रदेश में किसानों को 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिलाने में सफल हुए। जो मुट्ठी भर व्यापारी उद्योगपति कमाते थे वो किसानों के पास गया है। और इस प्रकार सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करने में हम सफल हुए। क्यों सफल हुए? क्योंकि मैं पहले किसान हूं, बाद में मंत्री हूं। शिवराज सिंह जी पहले किसान है, बाद में मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री जी गरीब के बेटे हैं और इसलिए हमने किसानों के हित में, गरीबों के हित में काम किया है और कानूनों में परिवर्तन करके और किसानों के हित में कानून बनाए हैं जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी है और हमारा मंत्री बनना सार्थक हुआ है। एक बार पुनः सभी को स्वर्ण जयंती महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।